हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मम्मो। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही शानदार रेसिपी, मटन कीमा। ये रेसिपी आप पूरा ज़रूर देखें, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। ये डिश बहुत ही टेस्टी बनी है। आइए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, जावित्री और जीरा। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 kg मटन कीमा। इसे अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है। ये है 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे अच्छी तरह कट कर लिया है। शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मटर, हरी मिर्च और ये सारे यहाँ पे है सूखे मसाले। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। मैंने लिया है 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे खड़ा मसाला। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज की प्याज। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। हम अब ऐड करेंगे 1/2 kg मटन कीमा। देखिए मैंने ऐड कर दिया है इसे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये डिश बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। इसमें अब मैं ऐड करूंगी 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सूखे मसाले। 2 teaspoon धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है इसमें, और भी सारे मसाले हमें ऐड करना है। 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जितना आपको पसंद हो। मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें अब मैं ऐड करूंगी और सारे मसाले। 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, इसे मैंने ऐड कर दिया है, इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें। इसे आप ट्राई करेंगे, आपको ये डिश बहुत ही पसंद आएगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसे हमने अच्छी तरह पीसेस में कट कर लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ा टैंगी फ्लेवर आएगा। इसमें मैं थोड़ा वाटर ऐड कर दूंगी। इसे हमें प्रेशर कुक करना है ताकि मटन अच्छी तरह गल जाए। इसे मैंने ढक दिया है, अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। आइए इसे चेक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। इसमें अब मैं ऐड करूंगी 4 हरी मिर्च, 1 कप मटर और इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। सारे वेजिटेबल्स मैंने डाल दिए हैं, इसे भी हमें प्रेशर कुक करना है ताकि सब्जी अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए ये बनकर रेडी है, कलर कितना अच्छा आया है इसका। ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। इस रेसिपी को आप देखें और ट्राई ज़रूर करें। इसमें अब मैं ऐड करूंगी हरी धनिया,
और अच्छे फ्लेवर के लिए सभी मिक्स कर लेना है। हमारी डिश बनकर रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे रेसिपीज़ को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।